केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। आज के नेता ठेकेदार बन गए हैं। राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए, व्यवसाय के लिए नहीं। देश में शासन सुशासन रहना चाहिए, इसके लिए देश को उचित नेतृत्व की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंदिया में महायुति से भाजपा उम्मीदवार विनोद अग्रवाल की प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने आमगांव में संजय पुराम के आयोजित सभा को संबोधित किया है। गडकरी ने कहा कि विरोधियों द्वारा संविधान बदलने का भ्रम फैलाया जा रहा है। हकीकत यह है कि संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता। यह चुनाव गोंदिया के विकास और भाग्य को बनाने वाला चुनाव है। गोंदिया जिले में 40% जंगल है। विदर्भ में 75% गौण खनिज है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, भूतल परिवहन मंत्री बनने के बाद उन्होंने आवागमन सुविधा पर ध्यान दिया। स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद गांव को जोड़ने वाले मार्ग तैयार करने की योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय आई थी। गणेश नगर के स्वागत लॉन में शुक्रवार 8 नवंबर की दोपहर आयोजित सभा में सांसद प्रफुल्ल पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, अशोक इंगले, कोमेश रहांगडाले, प्रेम कुमार रहांगडाले, येशुलाल उपराडे, दिनेश दादरीवाल, बाला अंजनकर आदि मंचा सिंह थे। और स्वाधीनता के बाद करीब 60-62 साल के बाद इस देश में पहली बार गांव को जोड़ने के लिए एक योजना बनाने का आदेश अटल जी ने मुझे दिया। मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार हुई और 3 महीने में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया और वो योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके द्वारा हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों को पहली बार अच्छे रोड बने। अगर ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। पर मेरे मन में एक बात आई कि 47 के बाद पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का शासन आया, लगातार दिल्ली में, मुंबई में, गोंदिया में, गांव में, सब जगह कांग्रेस का शासन था, तो हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना क्यों नहीं बनी? क्योंकि दुर्भाग्यवश उसको प्राथमिकता नहीं मिली। अनेक गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, अनेक गांव में रोड नहीं थे, बिजली आती थी तो चली जाती थी, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, और तीनों थे वहां पढ़ाई नहीं थी, दवाखानों की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत। अब प्रफुल्ल भाई बात कर रहे थे कि कोई हॉस्पिटल बन रहा है, अब कब बनेगा इसका भरोसा नहीं। अब बन जाएगा, बन जाएगा। मेरा एक प्रार्थना है, मैंने अभी जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता बहुत लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, यहां भी करो। वैसे ये बात अलग है कि आजकल नेता ही कॉन्ट्रैक्टर बन गए ऑल पार्टी नेताओं का काम बड़ा जोरों पे चल रहा है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम सेवा के लिए आए। राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, सत्ता कारण नहीं है, तो राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। कांग्रेस के कार्यकाल में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। दिल्ली में कांग्रेस थी, मुंबई में कांग्रेस थी, गोंदिया में कांग्रेस थी, गांव में कांग्रेस थी, बैल जोड़ी थी, बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, लोगों ने पंजे पे ठप्पे मारे, फिर अलग अलग प्रकार की कांग्रेस पार्टी आती रही, ठप्पे मारते रहे, पर आखिर नतीजा क्या हुआ है?
बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी इस देश के भविष्य को और तकदीर को नहीं बना सकी। एक बात जरूर है कि भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जरूर किया है। आज गांव में हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं है, किसानों को सही उत्पादन के भाव नहीं मिल रहे, हमारे गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इन सब समस्याओं का मूल सरकार के नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है।